अगेन माइलस्टोन शिवम ब्लॉग। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई ये मौसम आज का जो है, आज है सैटरडे और टाइम हो चुका है इस वक्त 2:30 बज चुके हैं। तो आज हम निकले हैं मसूरी की सैर करने। मौसम इतना खुशनुमा है, आप देख सकते हो मतलब पीछे का वातावरण कितना सुंदर है। तो और बस आज का प्लान यही है कि थोड़ा सा मसूरी घूमेंगे। और हाँ, आज फूड भी मतलब हम साथ में मैगी कैरी कर रहे हैं, तो आज खुद से मैगी बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी इस वक्त हम है ये झड़ी पानी वाली रोड पे, क्योंकि नीचे वाली रोड पे बहुत ज़्यादा रश था, तो जिसकी वजह से हम इस पे ट्रैवल कर रहे हैं और झड़ी पानी की तरफ से जाएंगे। तो वाकई में और यार इतनी सुंदर हरियाली आज, तो मतलब मज़ा ही आ गया है। क्या व्यू दिख रहे हैं यार। मगर यहाँ मैं लोगों से बहुत ही कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बट फिर भी आप देख सकते हो कितनी गंदगी। मतलब क्यों नहीं समझते कि जो भी आप कूड़ा कर रहे हो, अपना कृपया एक पॉली बैग लेके आओ, उसमें लेकर के चले जाओ। पॉली बैग लेके आने में क्या दिक्कत है। तो चलिए बस चलते हैं और फटाफट से आपको दिखाते हैं ऊपर से झड़ी पानी, और झड़ी पानी के बाद दिखाते हैं फिर मसूरी। और ये देखिए हमारी ट्रिक्सी मैडम, ट्रिक्सी। तो ये है झड़ी पानी, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं झड़ी पानी में और घूम रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत ही ठंडा ठंडा, कूल कूल। और ये देखिए तो पैदल पैदल वॉक कर रहे हैं इस वक्त झड़ी पानी की गली में, और ट्रिक्सी भी खूब खुश है यहाँ पे। ट्रिक्सी तो अपने इलाके में आ गई है। हाँ, और मम्मी ने मास्क बना लिया, कवर कर लिया अपने आप को। तो बस झड़ी पानी का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो पहले हमने आपको दिखाया तपोवन, और अब आप देख रहे हैं झड़ी पानी। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर ये गाइस व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जब अंग्रेज से सकती है नेचुरल वेदर। हाँ, और यहाँ वॉक करने का मजा ही आ रहा है। अभी चाय भी है और ऑमलेट खाया है, तो बस प्लान मैगी बनाने का है। और बिल्कुल है, मौसम भी इस वक्त देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है। सामने का तो आप ऐसा लगेगा कि जैसे बादलों में, मतलब पर्वत जो है बादल में चले गए हैं। बाकी में ये वाला व्यू देखना। और अभी चलते हैं मसूरी और वहाँ से लेते हैं मैगी एंड ऑल सब, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर रुक करके। टाइम हो चुका है कोई 3:15 के करीब, तो मैगी जरूर बनेगी और बिल्कुल बनेगी। और बाकी देखिए सब लोग एंजॉय। लोग जो है, जो भी 2-4 महीने के बंद के बाद तड़प चुके थे, बिल्कुल तड़प। तो आप देख सकते हो बाकी
तो झड़ी पानी से निकल के हम पहुंचे थे कंपनी बाग, जो कि बंद है अभी। किस वजह से बंद है? शायद मसूरी तो खुला हुआ है, पर शायद इसकी टाइमिंग है, टाइमिंग की वजह से बंद है। तो जी, ये मेरे पीछे आपने देखा कंपनी बाग है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और कंपनी गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे पार्क, आई मीन द पार्क जोन है, और आपका सेटिंग जोन है, और आपके फ्लावर्स काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, तो बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट्स हैं और फाउंटेन्स है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आज ये बंद है, या शायद हम लेट हो गए जिसकी वजह से बंद है। मौसम बहुत ठंडा है, अराउंड 18 डिग्री दिखा रहा था मसूरी का टेम्परेचर, तो बहुत ही ठंडा है। और बाकी देखिए फिलहाल तो ये तो बंद है। तो ये देवभूमि रसोई है, चाय है, और क्या है, समोसे, सब्जी डाल के, समोसे हैं, सब्जी डाल के चाय है। तो अभी हम बैठे हैं हापुड़ वालों की दुकान देवभूमि स्वीट शॉप पे, लैंडोर मसूरी में। तो अभी हमने ऑर्डर किया है चाय, सब्जी, समोसा और चाय, और ये हमारे लड्डू जी के लिए लड्डू आ चुके हैं, ये भी प्रसाद हम खा लेते हैं। प्रसाद है ना? तो ये जो है ये क्या है? अग्रवाल हापुड़ वाले की दुकान। ये जो है ये क्या है? रेडे है हमारे, राशन इसी में रखा हुआ है। राशन रखा बेसिकली क्या है कि बस जैसा मैं उस बच्ची को बता रहा था, ड्रेस से या भोजन से हम ये भी बताना चाहते हैं कि पहाड़ की समृद्धि ये है, या इन बर्तनों से। हाँ जी, हाँ जी, तो सर ये यहाँ पे आपकी शॉप कब से? 1950 47 सर। ओके, एस्टैब्लिश 47 है। ओके, और आप अभी लोकली आप यहीं पे लोकेटेड है? ओके, फैमिली के लोग ही करते हैं। सही है। तो ये देखिए यहाँ पे चाय के साथ आपको मिलेगा गुड़, तो चाय में है थोड़ा हल्का मीठा, तो आपको अगर चाहिए तो आप खाते रहो और चाय पीते रहो। और बाकी अभी आ रहे हैं, और देखिए चाय भी एक ऑथेंटिक पहाड़ी फूड मिलेगा आपको यहाँ पे। और उसमें देखिए भैया ने उसमें उनका सारा जितना भी ग्रॉसरीज का सामान है वो सारा उसमें रखा हुआ है, तो ऊपर ये कंडे रखे हैं और पीछे का ऑथेंटिक फूड है, और ये 1950। एक पाव तो आप ये कर देना, और एक पाव वो लड्डू कर देना। मंडे वाले ये क्या है? ये गुड़ के है। ये क्या है? ये पिछला है कि ना मैं आपको मिल कर, ये भी मंडवे की है ना?
नहीं नहीं ये तो मावा है, मावा और वो है ना मंडुआ, बेसिकली हमारा आटा होता है रागी आटा। हाँ, रागी आटा जैसे, तो बेसन में हमने उसे मिलाया तो वो बेसन के और मंडुए के रहो। ओके। हमने उसे समोसों के साथ मल्टीग्रेन हो गया, रोटी के साथ गेहूं। तो ये जी है लैंडोर, लैंडोर बाजार में अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे लैंडोर में, और जैसे कि देखा मौसम तो है ही मस्त, और लैंडोर बाजार बंद हो चुका है तो यानी कि 5 बज चुके हैं मसूरी में, तो मसूरी में भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं। तो जी ये था मसूरी और झड़ी पानी जो आपने आज देखा। फिलहाल अभी हम किंगक्रेट पे हैं जो कि मसूरी से 2 किलोमीटर नीचे है, तो अभी फाइनली जा रहे हैं बस देहरादून की तरफ। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगेगा क्योंकि जब डाउन करते हैं तो डाउनफॉल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो और बस जहाँ तक कि अनुमान लगा रहा हूँ मैं, ये शायद रोपवे का काम चल रहा है देहरादून से, जो रोपवे बन रहा है तो ये उसका काम चल रहा है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी हमें ये एक सरप्राइज हमको जल्दी ही मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे तो अनाउंस हो चुका है बट देखते हैं फाइनल कब कंप्लीट होता है। तो मैगी बनाने का पूरा प्रोग्राम था बट बारिश ही ऐसी लगती रही कि बारिश की वजह से हम मैगी बना नहीं पाए, तो मैगी बना नहीं पाए और इस वजह से फिर हमने आज जैसा कि दिखाया हापुड़ वाले यहाँ पे बैठ के हमने फिर हापुड़ वाले स्वीट शॉप थी जो देवभूमि के नाम से, देवभूमि के नाम से लैंडोर बाजार में आप भी कभी जाइए तो बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक उत्तराखंड प्योर उत्तराखंड फूड है, तो जिसमें कि आपको 120 रुपये या 150 रुपये की थाली है जैसे कि इस मेन्यू में आपने अभी देखा जो मैंने भी शेयर किया। तो और पंकज, पंकज अग्रवाल है वहाँ के ओनर, तो उनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है हापुड़ वालों के नाम से, तो बहुत अच्छा है, खाना बहुत ही बढ़िया था। हमने भी आधा किलो वहाँ से अपना मंडुए के लड्डू और दूसरा क्या नाम था, मावे की बर्फी है, कुछ बर्फी है जो गुड़, प्योर गुड़ की चाय भी आपको गुड़ की मिलेगी, बहुत ही टेस्टी था, मजा आ गया, बिल्कुल स्वाद आ गया। तो बस ऐसे स्वाद के लिए और मसूरी का मौसम, हाँ हाँ क्या बताओ, साथ में मसूरी का मौसम था और गर्मा गर्म आलू सब्जी समोसा था और चाय और उसके साथ मिठाई में मंडुए के लड्डू और अपनी। तो जी फाइनली अब पहुँच, अब ये बस है नीचे उतरने का प्लानिंग, तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया 6:30, तो बस थोड़ा सा ये सिनेमैटिक शॉट्स का आप लीजिए मज़ा रोड का। तो जी कितना खुशनुमा मौसम और सामने का व्यू जो आप देख रहे हो मतलब अल्टीमेट है, और वो देखिए वहाँ पे देहरादून पूरा छुपा हुआ है बादलों के नीचे, मतलब कि बारिश का चल रही है, बारिश बहुत तेज तेज चल रही है और मज़ा बहुत आ रहा है। ये था मसूरी का व्यू, तो मसूरी में कहीं धूप है कहीं छाव है और कहीं ठंडा है और कहीं गर्मी है थोड़ी सी। तो जी मैगी पॉइंट निकल चुका है और बस अब पहुंचने वाले हैं शिव मंदिर यानी कि ओमकारेश्वर महादेव टेंपल। तो ऑलमोस्ट अब देहरादून पहुंच चुके हैं हम, और वही थोड़ा सा काम पड़ गया था रास्ते में बहुत सारा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए, आधे घंटे की बजाय 1 घंटा लग गया। और ये आ चुका है सकैया
मोनेस्टी तिब्बतन मोनेस्टी एंड महादेव टेम्पल। तो ये है जी प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, सॉरी मैं ओंकारेश्वर महादेव बोल रहा था, प्रकाश है तो हर महादेव बंद तो नहीं है, ओपन है।